राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं के को मानव शरीर प्राप्त है उनके पिछले पुण्य बहुत ज़्यादा है, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है। जो आस्तिक है और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट, तो आप बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है, आप तो बालक को इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप कर दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की, परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के घनक पड़ेगी कान। तो आप जिन्हें परमात्मा का जो सत मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरण भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ्य यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादा इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि ये मंत्र है, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे। ये कोई बात नहीं हुई
यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, ड्यूट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर, जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते दो दो तीन तीन पीढ़ियां लगी, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार के परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस, ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म वही क्रियाएं कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाना, बाना माने बान तीर, तेरा अचानक कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा, पग पग पर तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणतः मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूँ अर्जुन, अर्जुनों का मैं काल हूँ, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए, गरीब दास जी को जो परमात्मा मिले थे वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो एक मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वहीं दुख उठा रही होती है इस काल के लोग, तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, पर आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका? तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद, ये काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ये भले आदमी
इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहाँ से लाया तू? तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है, इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं, अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समृद्ध शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूँ और जितना हाथ पैर मारता हूँ नीचे को जा रहा हूँ, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध के रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे, पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए, ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहाँ से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहाँ ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं, इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो वो भोगने के लिए भी कोई किसी उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे, दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा आपने। तो ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजानपने की गलतियां माफ होती हैं, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है, आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने भी वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा, आप ऐसे करोगे। तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं, सभी पवित्र धर्मों की, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है, जबूर, इंजिल, तोरेत, चौथी कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का।
तो इसी के आधार से और जो इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमर वाणी जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा है, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुराणी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहेब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान हैं। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहाँ भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे और परमात्मा चारों युग में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे को के कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, सहशरीर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते हैं। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा, उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है, उसी के आधार से दास आपको बता रहे हैं। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक को हो हम ढेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हाँसी। परम पिता परमात्मा ने बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूँ, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूँ, लेकिन जिस समय आप यहाँ सतलोक से बिछुड़ कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे, और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को, आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था, ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब तीन युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं, और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है, इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने,
परमात्मा ने कलयुग को तीन चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये पिछली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है, और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते, पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने जब हम यहाँ आ गए, हम मरने लगे जब हमें बहुत दुख हुआ, क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं, ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के सर्जरी करवा के, इन अड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे फिर, या सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी, फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्ध अवस्था पसंद करते, ये भी गलत है। अब देखो बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है जब बकवाद करवाता काल सारी समझ में आती, तरीके अगबुरी भी बनेगी, कोई कहतो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है, फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। तो यहाँ जब हम वहाँ से आगे हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची, एक व्यक्ति मर जाता सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहाँ मृत्यु नहीं होती थी, आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहाँ ये स्नायु वाली नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है, आपका एक तत्व से नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऐटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहाँ रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज़ और दोनों कंपल्सरी यहाँ पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया, जैसे आज दिन में प्रकरण चलाया था तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान अब तो मैं आपको पहचान चुका हूँ, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है, क्योंकि उन सब के अंदर जैसा कि हमने हिंदू धर्म के अपने वेदों में सब पढ़ा, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और भगवान वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है,
मैं ना मिलो वेदन के माही और जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्ति, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कते और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु जो इनको समझ नहीं सके, नकली। धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुख में सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर, हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश माएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर, दाता कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहाँ हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा, भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक, आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं को मनुष्य खा रहे हैं, तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है, जिसको तुम भगवान मान बैठे भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है, खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्म सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है, तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहाँ जाती है इसकी दयालुता, परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है, परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है, काल कसाई हसत है सर्व लोक को खाए और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुर दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है, छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जा, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में, तो वो उसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं ऊपर, वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता, उसको चाटते हैं जीव, वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, तीन लोक, परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, और 1,25,000 नित उत्पन्न करने का। अपने आत्माओं देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है, अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मानकर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहाँ आप आओगे, आपके वो पुराना रंग, पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा, और जितना भी आपके अंदर वो अटपट सा सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा।
तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहाँ किया जाता जहाँ शंका को हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। यह सारी शंकाएँ सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुँचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपने तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहाँ तक ना पहुँच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज़्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1,00,000 जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहाँ शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है, ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका यह मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता, और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहाँ है, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी, जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे, तो कोई बात है ये, सर्प को काट काट कर खा रहे, मृगों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे, तो ये तो उसमें क्या हालत होती आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा इसने 84,00,000 योनियों के भोगने के बाद भी, और दूसरे तरीके से जैसे पुनों का संग्रह होगा उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए, और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी, और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब हम यहाँ आ गए, हमारा बुरा हाल हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है, वहाँ कैसे जलाया जाता है, ये अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर ये ऊपर है, इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग बुकी मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, पीड़ी बनाई, शराब काट ली, और सारे ये शुरू कर दिए, सिगरेट ला कर डू मारे सट्टे, ये क्या बकवाद है, ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी अश्लील पिक्चरें आप देखते हो, अश्लील कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका, और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है, उसको फिर तपस्या ऊपर, एक तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है तई की तवे की तरह, और उसके ऊपर 1,00,000 प्राणी डेली मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता सारे अंश का, और वहाँ इतनी गर्म है वो, उसका फारेनहाइट भी नहीं बता सकते कितना है, उस पर पटक दिए जाते हैं, जैसे खील चटक चटक होया करती हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते वहाँ पर, मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है, तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहाँ से फेंक देता है ऑटोमेटिकली, सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार
अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पर भूने जा रहे थे तब मेरे को भगवान ने भेजा। धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनके समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की और क्या बताया कि धर्मदास जब ये तपतशिला के ऊपर प्राणी भुनने जा रहे थे तब मैं वहाँ पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले कबीर भगवान ने जब सृष्टि रची सतलोक की उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वीप और मान सरोवर रच दिए थे, 16 द्वीप। उन 16 फिर एक एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहाँ का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास वह है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 हैं ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम से के रूप में ही परमात्मा ने काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी उसने ही वहाँ उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहाँ से बाहर निकाला था। आपको सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाया है लेकिन आज विषय दूसरा इसलिए वो नहीं सुना पाऊंगा। तो जब हम यहाँ आगे हमारी ये हालत बिगड़ी, हम फिर तपतशिला पर जाके वहाँ वो गुरु नकली भी वहीं कोई मर के साथ आ गया है, वो वहाँ भुगत रहा होता है, साथ में वो पंडित भी विद्वान भी मौला और काजी भी वहीं भून रहे होते हैं। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी गुरु भी शिष्य भी इकट्ठे ही वहाँ भुने जा रहे थे। तो वहाँ जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहाँ क्या था, अब यहाँ क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा जब वहाँ पर ये काल जीवों को भून रहा था मैं वहाँ खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवान तुम हो सहाई। वहां जाकर देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे, जब दुखी होते थे जब इन्हों क्या करते, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक। आज उसको हम सत्साई के नाम से जानते हैं। अब परमात्मा कहते हैं जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपतशिला के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम ले हो उबारा, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा, यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे हैं कोई भी आपत्ति आप पावे प्रथम नाम प्राप्त हो उसका श्रमण अवश्य करके देखना, चाहे दुखी सुखी होकर करना एक बार, और सतनाम प्राप्त है उसका श्रमण करना, सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना, फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। परमात्मा कहते हैं तब हम सत शब्द गहुरावा सतनाम का जाप किया और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहाँ उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गया ऐसे सामने और सामने देखा चांद सा चेहरा परमात्मा सामने खड़े हैं।
यम ते छुड़ा ले हो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमें हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं मैंने उनसे कहा, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना, दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जा आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो और तब मेरा कोई संत मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरु बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमर जुमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भुन रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। तब ये अब कह रहे हैं कि जीव सभी कह रहे हैं, हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे, और यहाँ तो ऐसी बिजली गेर दे है कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई, हमने परमात्मा समझ कर काल भगवान की पूजा कर ली, और वेद पुराण कहे समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से करियो नेहा, कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले, ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो सब झे नाई। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। सुनो, परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम ये केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं, धर्म दास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा के ना, जीवन का पृथ्वी पग दीना। कर प्रणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुँचे जहाँ धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप पर शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोकों देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो उतर अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहाँ पर अपना भुनकर जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिए से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए। ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो, ओछा माथा काला शरीर विकराल लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे, कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी काल घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर।
और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहाँ से अपनी शक्ति से उड़ा दिए, वो फिर अचेत कर दिए। काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहाँ पर, तो उसको ये मालूम था कि वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परम पिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहाँ से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहाँ से निकाला। तो जो ही काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहाँ क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता और फिर जोग जी तने छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहाँ से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहाँ ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हूं। तो तब परमात्मा ने जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता कोई गधा कोई सूअर अपना कर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं, क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे, तेरे साथ आगे न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है। तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मंडों में, 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपोशिला है, आपने ब्रह्मंडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा बांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके, ऐसा मंत्र मेरे पास है वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाके भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का और सारनाम का, साथ में सतनाम का, सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया वो, वहीं का वहीं स्तब्ध हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम जैसी गिरा नीचे जाकर पाताल में, उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लग गया और नीचे मैं गया साथ के साथ, पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे, फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि जोग जीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते हैं, बड़े गलती को माफ किया करते हैं, आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझ कर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा तो मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में वह पूरी करो, आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो,
परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है कि प्रभु ऐसा करना आप नीचे जाओगे, हाँ जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ ऐसे करना तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओ, वचनबद्ध हो गया। तीनों तीन युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो उनको ले जाना, बाय फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे उसको आप बाय फोर्स ना ले जाना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा भगवत प्रसाद टमटा है जी। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं गांव छिल्ली और हमारा जिला बागेश्वर गरुड़ बैजनाथ से आया हूँ जी, और उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2016 में ली जी, नवंबर दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं हनुमान जी की भक्ति करता था और काफ़ी समय मैंने हनुमान जी की भक्ति करी, मुझे कम से कम 25 साल मैंने हनुमान जी की भक्ति करी। सर आपने हनुमान जी की पूजा 25 साल तक की, जो कि एक बहुत बड़ा समय होता है, किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो इतने समय तक हनुमान जी की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? हनुमान जी की पूजा करते करते मुझे फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को इतनी बीमारी हो गई, मेरा पाँव में तकलीफ हो गई, पाँव का ऑपरेशन हुआ, मेरा हाथ में भी चोट आ गई, हाथ में मैं लगा नहीं सकता हूँ, मेरे आँख में भी तकलीफ है, मैं आँख से भी नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं इतने भक्ति में आने से मैं सोच रहा था कि मेरा दुख चला जाए, लेकिन मेरा अभी तक कोई दुख नहीं गया। जो भी हुई मुझे क्या नाम कहते हैं, परेशानी ही रही ज़्यादा। मैंने डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में अपना पाँव का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करने के बाद कुछ दिन बाद मेरा पाँव फिर बाद में उसमें क्या नाम कहते हैं पस भर गया, और मैंने काफ़ी क्या नाम कहते हैं डॉक्टर उसे दवाई ली, दवाई लेने के बाद जरा मेरा पाँव ठीक हो गया था। बाद में जब मैं चेकअप कराने बाद में गया था जब वहाँ बेस हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें ये नीचे से ही पाँव काटना पड़ेगा, एक फोल्ड नीचे से पाँव काटना पड़ेगा और तभी आपको ये क्या नाम कहते हैं उसकी बीमारी हो जाएगी, ये कैंसर बन जाएगा। कैंसर बनने के हिसाब से मैंने सर जी मैंने ये रिपोर्ट न घर में दिखाई, न किसी बाल बच्चों को दिखाई, न किसी से कहा, लेकिन डॉक्टर उसे पता लगा कि वो मांग रहे थे 50-60 हज़ार रुपया, क्या नाम कहते हैं पहले खर्चा आएगा उसके बाद में फिर लाते रहोगे खर्चा। तो भगत जी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये के बजाय 50-60 रुपये नहीं थे। और उसके बाद मेरे पाँव फिर ऐसा धीरे धीरे करके ऐसी बीमारी लग गई कि पाँव में जैसे क्या नाम कहते हैं बुरादा निकलता था खुजलाते खुजलाते, और उसमें फिर क्या नाम कहते हैं जब खूब ज़्यादा खुजला लिया वो उसमें फिर पानी निकलता था, लाल लाल बूंदे जैसे दिखता था अंदर, फिर शांति हो जाती मेरे को तब तक मैं खुजलाने के बाद, तो ऐसी बीमारी लग गई मेरे को। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी मेरा एक दोस्त थे विनोद भगत जी, उन्होंने मेरे से कहा भगत जी आप इतने हनुमान जी की भक्ति करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना पाठ रामायण पाठ करते हैं, और लेकिन आपको क्या नाम कहते हैं आपने कभी वो बना गुरु जी बनाए? मैंने कहा नहीं जी मैंने अभी तक कोई गुरु जी नहीं बनाया, मैं जानता ही नहीं हूँ गुरु कैसे होते हैं करके, अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। तो भगत जी ने मेरे को बताया कि उन्होंने कहा भाई बिगर गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिगर धुनी का ध्यान नहीं होता है, आपको गुरु बनाना चाहिए और हमारे पास आओ, और संत रामपाल जी आए हुए हैं और उनको गुरु बनाओ, उनसे तुम्हारा सब गुरु बनाने के बाद और सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप उनसे दीक्षा ले लो। तुरंत उसके बाद संत रामपाल जी से दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
जब से मैंने नाम दीक्षा ली तब से मेरा पांव का जो तकलीफ, जो खुजली, जो ऐसी बीमारी लगी हुई थी वो धीरे 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 करके वो कब गायब हो गया मेरे को पता ही नहीं लगा। जब मैंने चेकअप कराया पांव तो डॉक्टर ने ये बोला कि तुम्हारा ये पांव पूरा पस भर गया है इसमें, और अगर आप इस गांठ से, इस जोड़ से अगर अपना पांव नहीं कटवाएंगे तो ये पूरे शरीर में आपका क्या नाम कहते हैं कैंसर फैल जाएगा। तो सर जी मैंने क्या नाम कहते हैं डॉक्टर जी से कहा कि खर्चा क्या आ जाएगा, तो उन्होंने कहा जी इसमें 50-60 हज़ार रुपये आपको पहले लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद फिर देख लेना। और इतना कह के मैंने क्या नाम कहते हैं फिर मेरे पास पैसे न होने के कारण और मैं नहीं दिखा पाया। अभी तक मैंने क्या नाम कहते हैं किसी को घर में भी नहीं बताया ये पेपर के विषय में, ऐसी किस्म की बात है करके। आज मैं ये रिपोर्ट अपने साथ ही लाया हूँ और मेरे पाँव में इतना पस भर गया था, इतना भर गया था कि मैं चल भी नहीं सकता था। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इस रिपोर्ट में देखे कि ये आपको दिखा रहा हूँ। तो सर जी मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट में लिखा है साफ साफ कि आपका पाँव काटना पड़ेगा। ये देखिए सर, ये बेस हॉस्पिटल गोवर्धन तिवारी बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा का है और इसमें साफ डॉक्टरों ने लिखा है कि आपका पांव काटना पड़ेगा। जैसा मैंने रिपोर्ट में देखा है कि मेरा पांव बिल्कुल काटने को कहा था डॉक्टर साहब ने। जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली और तब से मेरे पांव की तकलीफ सब ऐसे समाप्त हो गई कि मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब मेरा ये दुख चला गया। जो मेरी आँखों की भी परेशानी बचपन से थी और मेरा हाथ में भी तकलीफ थी, वो परेशानी भी सब गायब हो गए और आज मैं स्वस्थ हूँ और बिल्कुल सब रोग से मैं अपने बिल्कुल सब बढ़िया हो रहा है और कोई दुख तकलीफ नहीं हो रहा है और न डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और न दवाई खा रहा हूँ। मुझे ये बहुत लाभ हुआ इससे। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको लाभ प्राप्त हुए, आपकी जो बीमारियां थी वो दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं और आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आप जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा गुरु क्यों बनाना जो जेल में है? जी नहीं, मुझे कोई पता नहीं था पहले, मैं गुरु के विषय में कुछ नहीं जानता, मैं संत रामपाल जी के विषय में भी नहीं जानता। जब मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि संत रामपाल जी की शरण में आओ, उनसे दीक्षा लो, आपके सारे दुख सारे संकट दूर हो जाएंगे, और तब से मैं क्या नाम कहते हैं संत रामपाल जी के शरण में आया और मैंने दीक्षा ली, तब से मेरा सारे दुख, जितने भी मेरे दुख थे हाथ पाँव आँख की तकलीफ सब दूर हो गई। आज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे महसूस लगा कि क्या नाम कहते हैं संत रामपाल जी की भक्ति में शक्ति है और खूब मुझे फायदा हो रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए, तो श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं संतालों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी टीवी पर जो संत रामपाल जी का सत्संग आता है उसमें एक पीली पट्टी आती है, उसमें पूरे नंबर लिखे आते हैं, फोन करके आप नज़दीकी नामधाम केंद्र का पता कर सकते हैं और उसमें जाकर आप अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।